और भक्ति में मैं विशाल करवल आपका स्वागत करता हूं। शिव की महिमा और भक्ति के 9 अध्यायों के अंतर्गत एक और अध्याय आपके सामने। क्या आप जानते हैं कि शिव को दिव्य बनाने वाले माथे के चंद्र, जटा की गंगा, गले में सर और मुंड माला, वस्त्र की जगह व्याघ्रशाला, हाथ में डबरू और त्रिशूल क्यों है? क्यों है नंदी उनका वाहन? क्यों है उनके गण? शिव की वेशभूषा इतनी विचित्र क्यों है और आसपास रहने वाले इतने विचित्र क्यों है? जानिए इस अध्याय में। शिव के निराकार रूप के बारे में तो हमने पिछले अंकों में विस्तार से बताया, लेकिन शिव के मूर्त रूप की अपनी ही महिमा है। क्या आप जानते हैं कि शिव का जो रूप है उसका क्या नाम है? तो मैं बताता हूं, शिव का रूप यक्ष रूप है, जिनकी सुंदर जटाएं हैं। सभी देवताओं की 2 आंखें हैं, लेकिन शिव ही हैं केवल जिनकी 3 आंखें हैं। इसलिए शिव को त्रिलोचन भी कहते हैं, लेकिन क्या महत्व है उनकी तीसरी आंख का, ये जानना बहुत रोचक है। कहते हैं कि आंखों का काम है राह दिखाना और आने वाले संकटों से सावधान करना। जीवन में बहुत बार ऐसे संकट आते हैं जिनका हल हमें नहीं पता होता है। ऐसे में विवेक और धैर्य ही सच्चा पथ प्रदर्शक बनकर हमें सही गलत की पहचान कराते हैं। शिव की तीसरी आंख अगर अध खुली हो तो आज्ञा चक्र के स्थान पर होने से विवेक और बुद्धि का स्रोत है, किंतु अगर पूरी आंख खुल जाए तो वही तीसरी आंख संहार का कार्य भी करती है। इसलिए शिव की तीसरी आंख आधी खुली और आधी बंद रहती है, जो कि कल्याणकारी है। 3 आंखों वाले शिव से सुंदर और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के शरीर पे भस्म क्यों है? आगे बताएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जहां सारे देवता रथ, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से सजे रहते हैं, वहीं भोले भंडारी अपने शरीर पर भस्म को मले होते हैं। इस रहस्य को जानना आपको बहुत ही रोचक लगेगा। कहते हैं कि जब माता सती ने अग्निकुंड में कूदकर प्राणों की आहुति दे दी, तो सती के शक्तिपीठ बनने के बाद शिव के लिए भस्म ही एकमात्र सती की निशानी रह गई थी, जिससे वो सती की स्मृतियों को सहेजे रख सके। और भस्म ही संसार का अंतिम सत्य है। इस सत्य को शिव से बेहतर कौन समझ सकता है? शिव केवल व्याघ्रछाला लपेट कर रहते हैं, क्योंकि दिव्य वस्त्रों की जगह व्याघ्रछाला उनकी सरलता का द्योतक है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। आपको पता है कि चंद्रमा वहां क्यों है? नहीं ना? तो सुनिए, चंद्रमा को ही सोम भी कहते हैं। चंद्रमा यानी सोम का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये 27 कन्याएं ही 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा को रोहिणी से बहुत प्यार था। जब दक्ष की बाकी बेटियों ने अपने पिता से इस बात को बताया, तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा क्षय हो। दक्ष के श्राप से ही चंद्र घटते बढ़ते रहते। इस श्राप से बचने के लिए चंद्र ने भगवान शिव की तपस्या की। प्रसन्न होकर भोले भंडारी ने चंद्रमा के प्राण बचा लिए और अपने शीश पर स्थान दे दिया। और एक रोचक बात, क्या आप जानते हैं कि शिव के माथे पर त्रिपुंड का क्या अर्थ है? बताएंगे अगले हिस्से में। अल्प विराम के बाद आपका फिर से स्वागत। तो हम चर्चा कर रहे थे त्रिपुंड के बारे में। भगवान शिव के माथे पे त्रिपुंड से बनी 3 रेखाएं होती हैं। कहते हैं कि तीनों लोकों का प्रतीक है त्रिपुंड। रज, तम और सत तीनों गुणों का प्रतीक है त्रिपुंड। इसके निर्माण की कथा भी बहुत रोचक है। सती के अंत के बाद ही शिव ने अपने माथे पे हवन कुंड की राख को मला था, तभी से त्रिपुंड उनके मस्तक पर शोभा बन गया। शिव की जटा में स्थान पाने वाली गंगा की भी एक रोचक कथा है। कहते हैं कि एक दिन दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे और हवा से उनका वस्त्र उड़ गया। गंगा हंस पड़ी। क्रोध में दुर्वासा ने शाप दे दिया कि तुम धरती पे जाओगी और पापी तुम में अपना पाप धोएंगे। और दूसरी कथा है कि भगीरथ ने अपने भाइयों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाना चाहा था। उनकी तपस्या से गंगा आई, लेकिन उनके वेग को संभालने के लिए आगे आए शिव। शिव ने उन्हें
अपनी जटाओं में समेट लिया था, फिर भगीरथ को कृतार्थ करते हुए जटा से कुछ धारा को छोड़ दिया था। तब से गंगा शिव की जटा में विराजमान है। आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि शिव के कंठ का रंग नीला क्यों है। असल में जब समुद्र मंथन से निकला विष कालकूट सृष्टि को समाप्त करने वाला था, तब शिव ने ही उसे निगल कर गले में स्थान दिया था, इसलिए शिव नीलकंठ है। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के गले में विषधर नाग कहां से आया? थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, हम अगले हिस्से में आपको बताएंगे। भगवान शिव के गले में आपने नाग को स्थापित पाया होगा, उस नाग का नाम है वासुकी। पुराणों में बताया गया है कि वासुकी नागों के राजा हैं और नागलोक पे इन्हीं का राज है। समुद्र मंथन के समय नाग वासुकी ने ही उनकी रस्सी का काम किया था जिससे समुद्र को मथा गया था। नाग वासुकी शिव के परम भक्त, भक्ति से ही प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें नागलोक का राजा बना दिया, पर अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। क्या आपको पता है कि उस युग में नागों के कितने कुल थे? पुराणों के अनुसार तब 5 कुल थे जिनके नाम थे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पिंगला और करकोटक। आपको एक और रोचक जानकारी देते हैं शिवजी के डमरू के बारे में। कैसे आया शिवजी के हाथ में डमरू? संहारक शिव से बिल्कुल उलट नटराज शिव जो कला के देव है, वो प्रसन्न होकर डमरू बजाते हैं और नृत्य करते हैं। रेत घड़ी के आकार का वाद्य यंत्र डमरू दिन और रात के संतुलन का प्रतीक। कहानी बहुत ही रोचक है। सृष्टि जब शुरू हुई तब सरस्वती देवी प्रकट हुई। देवी ने अपने वीणा के स्वर में जिस ध्वनि को जन्म दिया, वो ध्वनि तो थी लेकिन वो संगीत के सुरों से विहीन थी। तब भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और इन्हीं से ध्वनि का व्याकरण और संगीत के सुर और ताल का जन्म हुआ। श्रुतियों का व्याकरण आया, इसीलिए डमरू ब्रह्म का प्रतीक है। डमरू संकुचित होकर दूसरे सिरे से जा मिलता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन लेकर ही शिव प्रकट हुए थे। शिव के गले में मुंड माला है जिसका अर्थ है कि उन्होंने मृत्यु को वश में कर रखा है। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा आपको शिव के अस्त्र शस्त्रों के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए, यहां मैं लेता हूं एक अल्पविराम। अल्पविराम के बाद भोर भक्ति में आपका फिर से स्वागत। भगवान शिव के अस्त्र शस्त्र में उनके धनुष, चक्र और त्रिशूल का प्रमुखता से वर्णन मिलता है। शिव धनुष की कथा हम पहले भी बता चुके पर फिर से याद दिलाते हैं। शिव के धनुष हैं पिनाकी, शारंग और गांडीव। ये तीनों धनुष विश्वकर्मा ने उन्हें सौंपे थे। पिनाकी जिसे तोड़कर त्रेता युग में राम ने सीता का वरण किया, गांडीव जो द्वापर में अर्जुन को मिला, शारंग को उन्होंने विष्णु को दे दिया था। चक्र उस काल में सबसे छोटा किंतु अचूक अस्त्र था। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने चक्र थे। शंकर जी के चक्र का नाम क्या था, क्या आप ये जानते हैं? शंकर जी के चक्र का नाम था भवरेंदु। भवरेंदु का प्रयोग पुराणों में वर्णित है। शिव के पास परशु अर्थात फरसा भी था जिसे उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम को दे दिया था। परशुराम को उन्होंने कई दिव्यास्त्र दिए थे। भगवान राम को उन्होंने पाशुपतास्त्र दिया था। वैसे शिव का प्रिय शस्त्र है त्रिशूल। त्रिशूल का अपना ही अर्थ है, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों कष्टों के नाश का सूचक है। सत, रज और तम तीनों शक्तियां त्रिशूल में हैं। त्रिशूल से जुड़ी रोचक कथाएं कौन कौन सी हैं, क्या आप जानते हैं? जानने के लिए बने रहिए भोर भक्ति के साथ। त्रिशूल का प्रयोग भगवान शिव ने शंखचूर के वध के लिए किया था। त्रिशूल की कथा के प्रसंग से ही एक और प्रसंग जुड़ा है। शंखचूर अपने मद में चूर तीनों लोकों का स्वामी बन गया था। साधु संतों को सताने लगा था। नाराज होकर उन्होंने शंखचूर का अपने त्रिशूल से वध कर दिया। इसीलिए शिव पर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता और ना ही उनकी पूजा में शंख बजाने का चलन है। हम बात कर रहे थे त्रिशूल की, तो त्रिशूल का एक दुखद उपयोग भी शिव से हो गया था, जब उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब त्रिशूल से ही एक बार वराह अवतार के मोह जाल में फंसे विष्णु का मोह भंग कर
बैकुंठ जाने को विवश किया था। क्या आप जानते हैं कि नंदी कैसे बने शिव के वाहन? पुराणों में नंदी को शिव का अवतार माना गया है। शिलाद ऋषि माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। तब इनके पूर्वज और पितरों को चिंता हुई कि उनका वंश समाप्त हो जाएगा। शिलाद ने इसे ही ध्यान में रख शिवजी की तपस्या करके एक अमर पुत्र प्राप्त किया, जो नंदी नाम से जाना गया। शिवांश होने के कारण नंदी शिव के नजदीक रहना चाहता था, इसलिए उनके गणों में नंदी को प्रमुख स्थान मिला। शिव के और कौन कौन गण और सेवक हैं, बताएंगे इस अध्याय के अगले हिस्से में। शिव महिमा जारी है। शिव के गण उनके आदेश का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। नंदी के पहले भैरव का स्थान आता है और नंदी के बाद वीरभद्र का। उनके बाकी के गण हैं मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय। ये सारे गण धरती और ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य, नाग, नागिन, पशु भी शिव के गण में शामिल हैं। एक और रोचक सत्य है, शिव के गण नंदी ने ही कामशास्त्र की रचना की थी, ऐसी मान्यता है। शिव के यहाँ जो पंचायत होती थी उसमें देवताओं और दैत्यों के झगड़े का निपटारा होता था, जहाँ शिव का निर्णय अंतिम होता था। शिव की पंचायत के देवता थे सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु। सप्तर्षि शिव के सात शिष्य। और अब आपको बताते हैं कि शिव का रुद्राक्ष क्या है। शिव की कृपा से ही रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ था। एक बार भगवान शिव ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। जब समाधि टूटी तो उनके नेत्रों से जल की बूंदें धरती पर गिरी। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। उन पेड़ों पर जो फल आए वही रुद्राक्ष है, जिन्हें धारण करने से पापों का नाश होता है, पुण्य बढ़ता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। एक रेखा वाला रुद्राक्ष एक मुखी है, जो शिव रूप, वो मुक्ति देता है। दो मुखी रुद्राक्ष शिव पार्वती रूप, जो इच्छित फल देता है। तीन मुखी रुद्राक्ष त्रिदेव रूप, जो विद्या देता है। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है, जो चतुर्विध फल देता है, शत्रुओं का नाश करता है और पाप मुक्त करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष शिव रूप है, जो सब पापों को हर लेता है। छह मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिक रूप है, जो शत्रुओं का नाश करता है। सात मुखी रुद्राक्ष कामदेव का प्रतीक है, जो धन प्राप्त करता है। नौ मुखी रुद्राक्ष नव दुर्गा रूप है, जो मनुष्य को सर्वेश्वर बनाता है। दस मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है, जो कामना की पूर्ति करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष एकादश रुद्र रूप है, जो विजयी बनाता है। 12 मुखी द्वादश आदित्य रूप है, जो कि प्रकाशित करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व रूप, जो सौभाग्य मंगल देता है। 14 मुखी परमशी रूप है, जो शांति देता है। ये 14 रुद्राक्ष कल्याणकारी शिव की देन है। शिव के 9 अध्याय के अगले भाग में हम आपको बताएंगे शिव के परिवार के बारे में, साथ उनके वरदानों के प्रभाव से भी परिचित कराएंगे। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।